उसे बैंगन में देखिए फल नहीं लगा हुआ है, क्योंकि फल इसमें लगा था सारे कीड़े लग गए थे इसमें। चाहे बड़ा पौधा हो, बड़ा फल हो या छोटा फल हो, सब में कीड़े लगे हुए थे। और देख लीजिए पत्ते इसमें भी छेद कर दिए हैं, और 2 दिन से इसमें दवा चल रही है, कुछ सुधार हुआ है। और देख सकते हैं इधर छोटे छोटे जो फल है इसमें भी लग गए थे, सारा छोटा फल तोड़ कर फेंक दिया गया बाहर। और कीड़े के वजह से इसमें जो कोमल कोमल पत्तियां हैं, इसके तने में जो है छेद करके इसमें कीड़े घुस गए थे, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे ये मुड़ गया है। तो इसको क्या है कि तोड़कर इसे बाहर फेंकना पड़ रहा है। इसे बाहर नहीं फेंकेंगे तो इसके कीड़े जो है सारे फल में, सारे फसल में फैल जाएंगे, इसके वजह से फल नहीं हो पाएगा। जैसे ही फल देगा तुरंत ये कीड़े खा जाएंगे उसे। और कुछ बारिश इतना तेज़ हो गई थी कि इसकी वजह से देखिए पेड़ जो है 2-4 पेड़ गल रहे हैं, ये सूखने के कगार पे हैं। दवा के वजह से कुछ असर हुआ है, फूल लिया है बढ़िया से। देखिए इसके तने में भी फल छेदक, देखिए तना छेदक इसमें घुस गए हैं। इसका जो है नया पत्ती निकल आया वहीं से ये सूख रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे तोड़कर बाहर फेंक देंगे। इसके वजह से कुछ कीड़ा है कंट्रोल रहेगा, ये सब फंगस के रोग के वजह से पत्तियाँ पीली पड़ गई हैं। एक बोरी लगभग 50 किलो निकला था बैंगन, जो कि सारा कीड़े खाए हुए थे। ये देखिए छोटा फल है, आपको दिखा रहे हैं, इसमें भी देखिए कीड़े लगे हुए हैं, इसमें भी देखिए। इसे तोड़ेंगे नहीं तो इसमें से इसके अंडे बच्चे इतने फैल जाएंगे। ये देखिए इसमें भी लगा हुआ है, इतना छोटा फल है इसमें भी लगा हुआ है। इधर देखिए ये तना में छेद के घुसे हुए हैं, इसे भी तोड़कर फेंकना पड़ेगा। सारे खेत में से ये सब ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है, नहीं निकालेंगे दवा काम नहीं करेगी उतना। दवा के भरोसे रहेंगे तो फल हमारा नुकसान होता रहेगा। इसी तरह से दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर कीड़े खाए हुए पत्तियां को निकालना है बाहर, निकाल कर फेंक देना है। ये देखिए इसमें भी लगा हुआ है, इसमें देखिए ये कहीं आपको दिखेगा छेद इसी में घुसे हुए होंगे। ये देखिए इधर इधर से घुसे हैं इसमें से, सफेद सफेद वाइट फ्लाई भी लगी हुई हैं। ये देखिए ये उड़ रही हैं सफेद सफेद। ये क्या है कि पत्तियों के रस को चूसती हैं, जिसका इसका पोषक तत्व तो ये सब ले लेती हैं, इसकी वजह से पत्ती भी पीला हो जाती है, पोषक इसमें का ख़त्म हो जाता है। ये देखिए उड़ रही हैं सफ़ेद सफ़ेद, इसमें भी मार दिया गया है, देखिए सफ़ेद है इसमें। दवा की वजह से ये सब मर चुकी हैं, कुछ कुछ 2-3 दिन में ये भी मर जाएंगी। ये भी इसमें भी तना छेदक कीड़े लगे हुए हैं, तने में छेद कर घुस गए हैं। इधर भी है, इसे तोड़ कर फेंका नहीं गया दोस्तों, सारे फसल में इसी तरह से फैल जाएंगे। ये इसमें भी है, ये इसमें घुसा हुआ है, इसको भी तोड़ कर फेंकना पड़ेगा। और ये देखिए इसमें भी लगा हुआ है, इसे नहीं फेंका गया तो सारे खेत में फैल जाएंगे। ज़्यादातर बैंगन में सिर्फ कीड़े इल्लियों की वजह से परेशानी होती है।